श्री शिवाय नमस्तु। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आपका वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है, पुरुषोत्तम महीना मतलब कि अधिक मास का महीना चल रहा है और सावन अधिक मास पूर्णिमा आ गई है। यह बहुत ही शुभ युग बन रहा है क्योंकि सावन अधिक मास चल रहा है और साथ में पूर्णिमा भी है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी और चंद्रमा की पूजा करने से धन संपदा की प्राप्ति होती है। इस वीडियो में हमने आपको गुरुजी के द्वारा बताए गए 3 उपाय बताए हैं, तो चलिए उपाय को सुन लेते हैं, बाकी बातें बाद में करते हैं। यदि आपको वीडियो में कोई समस्या आए तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब उपाय। पूर्णिमा के दिन आप शाम को प्रदोष काल के समय 4:30 से 6 बजे के बीच में 1 लोटा पानी, उसमें 5 बेलपत्र रखकर, 1 कमलगट्टा डालकर भगवान चंद्रेश्वर महादेव के नाम से भगवान शंकर को चढ़ा दीजिए। आपकी जो कामना हो वो कामना कर चढ़ाएं, विनती करें चंद्रेश्वर महादेव को और निवेदन करें कि हमारा ये कार्य सफल हो। केवल रात्रि को आप बड़े प्रेम से खीर बनाओ, चंद्रदेव की साक्षी में रखो, भोग लगाओ भगवान श्री हरि को। बन सके अगर लक्ष्मी की कमी है, लक्ष्मी नहीं आ रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, तकलीफ बहुत ज्यादा है, घर में कष्ट है, कर्जा ज्यादा है, तो एक तांबे के कलश के ऊपर, तांबे के कलश में पानी भरना, कटोरी रखना, उस पर लक्ष्मी जी की मूर्ति रखना। लक्ष्मी जी की मूर्ति नहीं हो तो चांदी का सिक्का रखना। उसके सम्मुख में आप 31 दीपक घी के लंबी बाती के जला दें महाराज। एक एक कमलगट्टा उस 31 दिए के अंदर डाल देना और लक्ष्मी जी का पूजन करना, लक्ष्मी जी का स्मरण करना, खीर का भोग लगाना, पान के पत्ते पर खीर रखना, 5 पत्ते पर खीर का भोग लगाना और माता लक्ष्मी से विनती करना। सुबेरे 4 बजे तक वो रखे रह देना, सुबह 4 बजे वो उठाना, लक्ष्मी को वापिस तिजोरी में या सिक्का हो तो उसको अलमारी में रख देना। जो खीर बनी है वो प्रसाद के रूप में सुबह 8 बजे 10 बजे 9 बजे जब खाना हो प्रेम से खाना। माता जो दिए लगाए हैं वो ठंडे हो गए होंगे, उनको रखे रहने देना, बाद में काम आते रहेंगे, या दिए विसर्जन करना हो तो आपकी मर्जी। पर वो मट्टी के दिए लगेंगे, आटे के दिए नहीं लगेंगे, मट्टी के दीप लगाना है आपको 31। घी के दिए लगाना है, लक्ष्मी जी का पूजन करो पंकु चावल हल्दी मोली से सब तरह से। पूर्णिमा की रात्रि को सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, लक्ष्मी की वृद्धि हो। शिव मंदिर में जाकर नंदी के कानों में कहकर नंदी के सींग के बीच में से शिवजी का दर्शन करते हैं, उसी तरह जो बच्चे का दिमाग एकाग्र चित्त नहीं हो पाता है, पढ़ाई में मन नहीं लग पाता या बच्चा स्थिर नहीं रह पाता, डोलता रहता है, मन भटकता रहता है, तो उसको भी पूर्णिमा का चंद्र रुद्राक्ष के छिद्र में से रात्रि के समय पर उस छिद्र में से रुद्राक्ष के पूर्णिमा का चंद्र दिखाया जाता है, मात्र एकाग्र की चित्तता के लिए, चित्त वृत्ति को स्थिर सुनते हैं। दोस्तों, पहला उपाय कामना पूर्ति के लिए है। आपकी कैसी भी कामना हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी मनोकामना जो पूरी नहीं हुई हो, आप पूर्णिमा के दिन यह उपाय कर सकते हैं, आपको आपके कार्य में सफलता मिलेगी। आपको पूर्णिमा के दिन प्रदोष काल मतलब शाम के समय 4:30 से 6 बजे के बीच यह उपाय करना है। उसमें 1 लोटा जल लेना है, उसमें 5 बेलपत्र डालकर साथ में 1 कमलगट्टा डाल लें और शिवलिंग के पास चले जाएं और चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेकर वह जल शिवलिंग पर समर्पित कर दें। साथ में साथ वह बेलपत्र और कमलगट्टा भी शिवलिंग पर चढ़ा दें। आपकी कामना कर प्रार्थना कर लें, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। अब चलते हैं दूसरे उपाय की ओर। यह लक्ष्मी प्राप्ति उपाय है। आपके यहाँ लक्ष्मी नहीं आ रही हो या लक्ष्मी की कमी हो तो आप यह उपाय कर सकते हैं। माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होकर आप पर धन संपदा आदि प्रदान करेंगी और आपकी सारी समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। दोस्तों, तीसरा व अंतिम उपाय पढ़ाई से संबंधित है। जिनके बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता हो, मन एकाग्र नहीं हो पाता हो, यहाँ वहाँ भटकता हो, तो आप यह उपाय पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं।
पूर्णिमा के दिन रात के समय रुद्राक्ष के छेद में से चंद्रमा को दिखाया जाता है। रुद्राक्ष कोई भी हो सकता है, उसके छेद में से आपको चंद्रमा को दिखाना है। बच्चों की एकाग्रता वापस आ जाती है। हम आशा करते हैं आपको तीनों उपाय समझ आ गए होंगे। यदि आपको कोई समस्या आ रही हो तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने व सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।